Cause I just wanna go, go, go to the deep end. I just wanna go. अगर फ्रेंड्स आपके पास है OnePlus का Nord CE3 Lite और आप चाहते हैं इस फोन में अपने फोटो या वीडियो को हाइड करना, तो इस वीडियो में आज आपको बताऊंगा किस तरह से फोटो और वीडियो को इस फोन में हाइड करते हैं। हाइड करने के साथ साथ अगर अनहाइड करना है तो उसको कैसे कर सकते हैं, एक्सेस कैसे करेंगे हाइड फोटो और वीडियो को, इन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप अपने फोन की गैलरी को ओपन कीजिए, जो भी आपकी फोटो नाम से गैलरी देखने को मिलती है उसको आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ कुछ इस तरह से आपके सामने इंटरफेस आएगा। तीन ऑप्शन देखेंगे आपको, फोटो, एल्बम एंड एक्सप्लोर के, तीनों में से किसी पे भी आप एक बार टैप एंड होल्ड करके रखिए। आपके सामने एक पासवर्ड सेट करने के लिए बोला जाएगा। अगर पासवर्ड सेट करने के लिए नहीं बोला जा रहा है तो फ्रेंड्स आपने इस फोन में ऐप लॉक सेट किया होगा, तो आपको ऐप लॉक वाला यहां पे लॉक लगा देना है। नहीं किया तो सिंपल जो आपको मैं बताऊं उसको सेलेक्ट कीजिए। इस तरह सेलेक्ट करने के बाद आपको 6 अंक का पासवर्ड सेट करने के लिए बोला जाएगा। अगर चाहे तो पैटर्न लॉक सेट कर सकते हैं, 4 अंक का भी आप यहां पे पासवर्ड लगा सकते हैं, कीबोर्ड पासवर्ड जो रहता है उसको भी आप सेट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप यूज ए डिफरेंट पासवर्ड टाइप पे पहले क्लिक कीजिए, जिसके बाद जो भी लॉक आपको अच्छा लगे इनमें से उसको आपको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद इस तरह से आपको लगा लेना है। दो बार आपको सेम जो भी लॉक सेलेक्ट किया है वो लगाना होगा। अब इसके बाद आपके सामने एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आता है जिसमें आपके फादर्स नेम पूछा जाता है, मतलब आपके जो भी फादर्स हैं उसका नाम आप डाल सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे अपने हिसाब से चाहे तो भी इस तरह से आप सेट करके यहाँ पे सेव कर लीजिए। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन रहता है, जब कभी भी लॉक वगैरह आप बोलते हैं तो इसको डाल के आप इसमें बाद में रिकवर इसको आप कर पाएंगे। यहाँ गॉट इट पर क्लिक कीजिए, प्लस के आइकन पर जाइए, जिस भी फोटो को या फिर जिस भी वीडियो को आपको हाइड करना है उसको इस तरह से सेलेक्ट कीजिए एंड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा सेट एज प्राइवेट, इस पर क्लिक कर देना है तो ये हाइड हो जाता है। एक और तरीका रहता है हाइड करने का, चलिए उसके बारे में जानते हैं। तो आपको अपनी गैलरी में आ जाना है, यहाँ आपको एल्बम पर क्लिक करना है। अब उस फोल्डर में चले जाना है जिसमें से फोटो हाइड करना है या फिर वीडियो हाइड करना है, इस तरह से उस पर क्लिक कीजिए। जो भी वीडियो आपको हाइड करना है इस तरह से उस पर क्लिक कर लीजिए या फिर जो भी फोटो है उस पर क्लिक कीजिए। मोड पे जाइए, यहाँ देखने को मिलेगा हाइड, इस पर क्लिक कर दीजिए तो ये हाइड हो जाती है। अब चलिए जानते हैं एक्सेस कैसे करेंगे। एक्सेस करने के लिए आपको तीनों में से किसी एक पर टैप एंड होल्ड करना है या फिर यहाँ पे हिडन दिखेगा इस पर क्लिक कर सकते हैं। आपका प्राइवेसी लॉक आएगा, यहाँ पे आपको प्राइवेसी लॉक अपना सेट कर लेना है जो भी आपने बनाया था। अब यहाँ से आके इनको एक्सेस कर सकते हैं। अनहाइड करने के लिए इस पर आप टैप एंड होल्ड कीजिए, यहाँ देखने को मिलेगा सेट एज पब्लिक, इस पर क्लिक करके उस फोल्डर को आप सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें आपको ये सेव करना है। तो इस तरह से ये अनहाइड हो जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स इस फोन के अंदर अपने फोटो और वीडियो को तो आसानी से आप हाइड कर सकते हैं। ऐसा करते हैं फ्रेंड्स आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।